नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आंचल तिवारी। आप देख रहे हैं वक्त हो गया है खबरों का। केरल में एक चौंका देने वाला शर्मनाक मामला सामने आया है। निर्भया केंद्र पर काउंसलिंग के दौरान 17 वर्षीय पीड़िता ने जो बयान दिया है वह सुनकर पुलिस अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। बयान के अनुसार नाबालिग लड़की से पिछले 4 साल में 44 अलग अलग लोगों ने यौन उत्पीड़न किया है। पूछताछ और प्राथमिकी जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में 32 अलग अलग मामले भी दर्ज किए हैं। आज नाबालिग की उम्र 17 साल है, यानी 13 साल की उम्र से ही वो दरिंदगी का शिकार है। पुलिस के अनुसार केरल के मलप्पुरम जिले के पारिककड़ इलाके में एक 17 साल की नाबालिग से 44 लोगों ने यौन उत्पीड़न किया है। उसके साथ रेप और छेड़छाड़ की घटनाएं हुई हैं और यह सिलसिला 32 बार से ज्यादा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस के लिए यह मामला चौंकाने वाला है। अपने आप में इस तरह का यह पहला मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता के साथ 13 वर्ष की उम्र से उत्पीड़न लगातार हो रहा है। पहली घटना 2016 में हुई थी और 2017 में भी उसे इसी दर्द से गुजरना पड़ा। फिर उसे होम में रखा गया और करीब 1 साल पहले वह अपनी माँ के पास आई थी। होम से निकलने के बाद वह लापता थी और दिसंबर में उसे पारिककड़ में देखा गया, जहां से पुलिस उसे लेकर निर्भया केंद्र आ गई। इस दौरान नियमित प्रक्रिया के तहत उसकी लगातार काउंसलिंग शुरू की गई। यहां जो उसने खुलासा किया वह दिल दहला देने वाला है। पुलिस ने कहा है कि आरोपियों में से एक भी रिश्तेदार नहीं है। हालांकि पुलिस ने कानूनी कारणों से आरोपियों के नाम अभी तक नहीं बताया है। इससे पीड़िता की पहचान भी जाहिर हो सकती है। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने सभी 44 आरोपियों के खिलाफ बयान भी दिया है। तो यदि मराठी खास खबर इसी तरह की खास खबरों के लिए बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।